हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रोटेशन के बारे में। पिछला वीडियो में मैंने बताया था पेंसिल बनाने के लिए, अभी तक आप लोगों ने कुछ भेजा नहीं है मेरे पास, तो जल्दी से उस वीडियो को देखिए और वैसा बनाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए उसको। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं रोटेशन टूल। रोटेशन टूल है नहीं, हम लोग रोटेट करने के लिए पूरा तरीका सीखेंगे, पूरा अच्छे से प्रोसेस सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक लेटर लिख लेते हैं ए, ठीक है। अब इसको हम लोग रोटेट करने का कई तरीका है। सबसे पहला, आप इसी पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, आपको यहाँ से फ्लिप मिलता है, आप यहाँ से हॉरिजॉन्टली और यहाँ से वर्टिकली आप ऊपर नीचे दाएं बाएं रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तीसरा, आपको यहाँ पे एक मिलता है रोटेशन का, देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन, आप यहाँ से चाहें कि 30 डिग्री पे रोटेट, 40 पे, 50 पे, आप जितना पे चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे -90 पे, तो आप यहाँ से इस तरीका से कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सा यूज है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जैसे इस पर क्लिक करते हैं और एक बार और क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से आप इसको ऐसे पकड़ के भी रोटेट कर सकते हैं, आप जिधर से चाहें उधर से आप रोटेट कर सकते हैं और इसको पकड़ कर आप इसको स्क्यू कर सकते हैं। इसके बीच में आपको एक सर्कुलर टाइप का एक आइकन दिखता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर पॉइंट। मतलब कि ये जो ए लिखा हुआ है, इसका मेन जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे है, मतलब चारों ओर से इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, सॉरी यहाँ पे एक हम लोग सर्किल ड्रा करते हैं और इस पर एक बार और क्लिक करते हो तो इसका यहाँ पे देखिए, इसका ये हो गया सेंटर पॉइंट। अब इसका यूज क्या चीज़ है, इस पर हम लोग डबल क्लिक करते हैं। अभी अगर हम लोग रोटेट करते हैं यहाँ से इसे पकड़कर, तो देखिए इसका बीच से यहाँ से एकदम घूम रहा है, मतलब कि रोटेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे कि आपके पास अगर दो पेन है, ठीक है, अब ये जहाँ पे क्रॉस हो रहा है इसको अगर हम लोग घुमाएंगे ना तो यहाँ से घूमेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं और अगर इसको अगर हम लोग घुमाते हैं तो देखिए इसका बीच से घूम रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं और इसको समझते हैं। इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम कर देते हैं कि सेंटर पॉइंट यहाँ पर रहेगा। अब अगर हम लोग जो घुमाएंगे तो देखिए यहाँ से घूमेगा, ठीक है। एक और हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं और इसका सेंटर पॉइंट है कि हम यहाँ पर रख लेते हैं और आप अगर इसको हम लोग घुमाएंगे तो इसका यहाँ से घूमेगा। तो रोटेशन टूल में जो है आपको सेंटर पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। एक और हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं छोटा और इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे और इसको अगर हम लोग यहाँ से ऐसे घुमाते हैं तो आप देखिए वहाँ से घूम रहा है। तो आई होप कि आपको इतना चीज़ अभी तक समझ में आया है। अब इसके आगे अगर हम लोग और भी अगर कुछ बनाना चाहें, जैसे यहाँ से एक हम सर्किल ऐसा बना लेते हैं और इस पर हम लोग डबल क्लिक करते हैं, इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे और उसके बाद यहाँ से हम लोग ऐसे करते हैं तो आप देखिए इस तरह से आपका एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है। आखिर हम ये सब पढ़ क्यों रहे, इससे फ़ायदा क्या है। बहुत सा डिज़ाइन, बहुत सा लोगो बनाने में इसका हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि एक अगर आप घड़ी बनाते हैं, वॉच बनाते हैं, या तो रिस्ट वॉच हो या फिर वॉल वॉच हो, तो इसमें आपका ये जो रोटेशन का है समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, या फिर इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है जो बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर आपको एक ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिल रहा है। अब बहुत लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं मिलता होगा तो ये आएगा कैसे, चलिए इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, विंडो में आ जाना है और यहाँ से आपको मिल जाएगा ऑप्शन डॉकर्स का और यहाँ पे आपको ऑप्शन एक मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म का, इसका शॉर्टकट की अल्ट F7। चलिए इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ से इसका एक पूरा प्रॉपर्टी दिख जाता है। यहाँ पर पोजिशन है, ये रोटेशन है, तो हम लोग अभी रोटेशन समझ रहे हैं तो हम लोग रोटेट देखेंगे।
यहाँ पे आपका एक रोटेट है और यहाँ पे आपका एक सेंटर है। चलिए अब हम लोग कैसे समझेंगे। एक हम लोग यहाँ से सर्किल ड्रा कर लेते हैं और इसमें एक हम लोग इस तरह से एक बॉक्स बना लेते हैं, इसको जो है ऊपर रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका एंगल है और यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। और ये आपका एक यहाँ पे कॉपी है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम चाहते हैं इसको डबल क्लिक करके और इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो क्या लिख दे रहा है, खुद से सेंटर लिख दे रहा है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका स्नैप नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, व्यू में आ जाना है और यहाँ से आपका एक ऑप्शन मिल जाएगा स्नैप टू का, और इसको आपको ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है और इसका शॉर्टकट की अल्ट जेड। इससे क्या होगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर में अगर आप ले जाइएगा तो ये आपका जो है ना आपका आराम से दिखने लगेगा, ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या किए, इसका सेंटर यहाँ पर कर दिए और इसको यहाँ से हम लोग ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे रोटेट कर। अब अगर कंट्रोल आर हम लोग करते हैं तो आपका रिपीट मोड पे आ जाएगा। तो ये देखिए अच्छा से हुआ, लेकिन यहाँ पे कहीं पे डबल हो जा रहा है, कहीं पे ट्रिपल हो जा रहा है। जैसा कि हम एक शॉर्ट्स वीडियो बनाए थे उसमें हम बताए थे कि कैसे करना है। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो ये बॉक्स है, ठीक है, इसको सी प्रेस कर देते हैं, बीच में आ जाएगा, इसको ऊपर लेकर आ जाते हैं और इसका जो सेंटर पॉइंट है हम लोग रख देते हैं सेंटर में। यहाँ हम चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है ये पूरा सर्किल में कम से कम 20 जगह पर बन जाए इस तरह से। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे आपका एंगल देता है कि हम लोग 20 डिग्री पे घुमाना चाहते हैं और कितना कॉपी होना चाहिए, तो 20, और अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए आपका बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये पूरा नहीं बना, क्यों, क्योंकि जो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है 360। अब आप यहाँ पे 20 कॉपी की और यहाँ 20 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, हम लोग को ओपन कर लेना होगा कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर हम कर लिए, कितना डिग्री का होता है 360, डिवाइड कर देंगे हमको कितना कॉपी चाहिए, 20 कॉपी, मतलब कि हमको 18 डिग्री पे, हमको जो एंगल है यहाँ पे 18 डिग्री यूज करना है। तो इस पर क्लिक किए, एंगल कितना 18 डिग्री और कॉपी कितना 20, और यहाँ से कर देंगे अप्लाई। अब यहाँ पे देखिए हम जब अप्लाई किए तो आपस में यहीं पे आ गया, क्यों, क्योंकि इसका जो हम लोग सेंटर पॉइंट था वो हम लोग सेट नहीं किए थे। अब इसका सेंटर पॉइंट सेट करेंगे, इसका यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर सेंटर पॉइंट सेट करेंगे, यहाँ पर 18 एंगल है और यहाँ से कॉपी है और यहाँ से कर देंगे अप्लाई। अब आप इसको काउंट कर लीजिएगा तो आपका 20 हो जाएगा। इस तरह से आप रोटेशन का यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा हम आपको प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक हम लोग ले लेते हैं रेक्टेंगल और इसमें हम लोग एक ये ले लेते हैं और इसका एक हम लोग कलर दे देते हैं। तो अब दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और सी प्रेस कर देंगे। सी से क्या होगा कि आपका जो सेंटर में आ जाएगा, सर्किल का जो सेंटर में ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग कर लेंगे ऊपर, इस पर एक बार और क्लिक करेंगे और इसको लेकर आ जाएंगे हम लोग सेंटर पॉइंट में। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे अल्ट एफ सेवन से ट्रांसफॉर्म और कैलकुलेटर ओपन करेंगे, 360 कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे। हमको घड़ी टाइप का हमको बनाना है तो कितना रहता है 12, तो 12 हमको चाहिए और इक्वल कर लेंगे तो हो गया 30 डिग्री पे, मतलब कि एंगल का जो है वो 30 डिग्री पे होना चाहिए और कॉपी कितना होना चाहिए 12। तो यहाँ पर आप देखिए आपका 12 बन गया। तो ये आपका हो गया आर का हो गया, मतलब घंटा वाला हो गया। अब हम लोग सेकंड वाला देना चाहते हैं जो 60 होता है, तो एक और हम लोग अगर चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ से एक हम लोग एक छोटा सा और इससे पतला बनाते हैं, इसका कलर हम लोग अलग कर देते हैं, ये कलर दे देते हैं और इसको भी हम लोग सबको सिलेक्ट करके सी कर देते हैं, तो ये बीच में आ जाता है और इसको हम लोग रख देंगे यहाँ। इसको थोड़ा सा हम जूम करके और इसको क्या करते हैं, ये कर देते हैं, इस पर एक बार और क्लिक करते हैं, इसका जो सेंटर पॉइंट हम लोग फिक्स कर देंगे यहाँ पर। अब हम लोग को क्या करना है, फिर से डिवाइड करना है, 360 डिवाइड 60, तो 6 डिग्री पे हम लोग को एंगल देना है, 6 और कितना कॉपी चाहिए तो 60, और उसके बाद कर देंगे अप्लाई। ये आपका बनकर रेडी हो गया। अब आप यहाँ पे जो भी चाहें आप लिख सकते हैं, 1, 2, 3 अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं और नहीं चाहें तो ना भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक और सर्किल लेंगे और इसको यहाँ से हम लोग बीच में डाल देंगे, यहाँ से एक
ऐसा फील दे देते हैं, और एक इसको हम लोग लेकर आ जाता है यहाँ पे, इसको हम लोग कर देते हैं बड़ा, और इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम लोग सेट करेंगे। इसको फ़िलहाल अभी हम लोग बड़ा कर देते हैं, और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो दिख नहीं रहा है, चलिए ऊपर इसको लेकर आ जाते हैं, इसका सेंटर पॉइंट को हम रख कर देते हैं यहाँ पे सेंटर पे, और इसको हम लोग यहाँ से वन मिनट, इसका कलर ना हम लोग चेंज कर देते हैं क्योंकि ब्लैक ब्लैक ना दिख नहीं रहा है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, इसको हम लोग पकड़ कर लाते हैं यहाँ सेंटर पे, और उसके बाद यहाँ से यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया ड्रा कर लेते हैं, और एक थोड़ा सा इतना मोटा कर लेते हैं, इसको इस शिफ्ट पकड़ के इस पर क्लिक करेंगे और सी कर देंगे, ये दोनों सेंटर में आ गया। इसको हम लोग लाएंगे इतना नीचे, और इसको थोड़ा सा और हम लोग कर देंगे बड़ा, एक बार और क्लिक करेंगे, इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको रख कर यहाँ पर ला देंगे, और इसका हम लोग कलर दे देते हैं रेड, और इसका जो आउटलाइन है इसको हम लोग हटा देते हैं, और इसको यहाँ से सेंटर पे हम लोग लेकर आ जाते हैं, राइट क्लिक कर देते हैं, और इसका हम लोग क्या करते हैं साइज छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, और इसका फिर एक बार क्लिक करेंगे, इसका जो सेंटर पॉइंट है ये थोड़ा सा सेंटर में लेकर आ जाएंगे। इसका भी अगर हम लोग चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया मिनट का, ये आपका हो गया आर का, और एक हम लोग और चाहिए सेकंड का। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और शिफ्ट पकड़ के इसको हम लोग कर देते हैं इतना पतला, राइट क्लिक कर देते हैं, और इसको यहाँ से हम लोग लेकर आ जाते हैं यहाँ, और इस पर एक बार और क्लिक करके इसका साइज़ थोड़ा सा हम लोग कर देंगे बड़ा, और एक बार और क्लिक के इसका जो सेंटर पॉइंट है क्योंकि साइज हम लोग बड़ा किए तो ये ऊपर नीचे हो गया, फिर इसको हम लोग सेट कर देते हैं। तो आपका एक छोटा ऐसा घड़ी बन गया, ये बहुत अच्छा अभी तो नहीं है, और इसको हम लोग क्या करेंगे एक और सर्किल बनाएंगे और यहाँ पे ड्रा कर लेंगे, और इसका कलर हम लोग दे देते हैं ये। तो ये आपका घड़ी बन गया। कल के वीडियो हम लोग पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से एकदम पूरा रियलिस्टिक टाइप का घड़ी बनाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।